हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल के लिए बनाना है पंचमेवा का भोग। तो पंचमेवा का भोग कैसे बनाते हैं, चलिए आइए देखते हैं। एक कढ़ाई में लगभग 3 चम्मच मैं देसी घी डालूंगी और उसमें मैंने लगभग 50 ग्राम मैंने मखाना लिया है। मखाने को लगातार चलाते रहेंगे और इनको क्रिस्पी होने तक भूनते रहेंगे। मखाना भुना है कि नहीं भुना है, इसके लिए हम इसको तोड़ करके देखेंगे। अगर ये फटाफट टूट जाता है तो इसका मतलब है कि मखाना क्रिस्पी हो गया है। गैस को ऑफ कर देंगे और जितने मखाने तल गए हैं इनको मैं बाहर एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसी कढ़ाई में लगभग आधा कटोरी मैंने तरबूज और खरबूजे के बीज मिक्स करके लिए हैं, इनको भी मैं रोस्ट कर लूँगी। खरबूजे के बीज को रोस्ट करने के लिए मैंने घी का इस्तेमाल नहीं किया है, सीधे इनको डाल दिया है। जैसे ही ये चटकने लगेंगे, उनकी आवाज़ आने लगेगी, उसी में मैंने काजू बादाम और पिस्ते को कट करके रखा हुआ था, इसको भी इसी में ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा किशमिश, इसको भी इसी में डाल करके हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जिससे इसकी नमी पूरी निकल जाए। आप इसमें और भी जो ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करना चाहते हो आप कर सकते हैं। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद जैसे ये हो जाएगा इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। देखिए हल्के से ब्राउन कलर में हो गए हैं, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। मखाने जो मैंने रोस्ट करके रखे हुए थे उनको एक मिक्सी जार में डाल करके और इनको मैं दरदरा पीस लूँगी। पीसने से इसका टेक्सचर अच्छा आएगा और बनाने में भी बहुत खिला खिला सा अच्छा सा आएगा। मिक्सी के जार को एक बार में ही नहीं चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके चलाएंगे। ये देखिए मखाने का पाउडर बिल्कुल रेडी हो गया है जो कि हल्का सा दरदरा है। उसी कढ़ाई में मैंने नारियल के बुरादे को भी रोस्ट कर लिया है। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा इसकी नमी को ख़त्म करना है। और जैसे ही ये भुन जाएगा इसको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये भोग लड्डू गोपाल का सबसे फेवरेट भोग होता है, माखन मिश्री साथ में इस्तेमाल करते हैं और पंचमेवे का भोग लगाते हैं। नारियल मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको हटा देंगे। और उसके बाद मैंने लगभग 2.5 कटोरी चीनी लिया है। चीनी में आधा गिलास मैंने पानी यूज किया है। अब इसको लगातार हिलाते रहेंगे जिससे चीनी पानी में मेल्ट हो जाए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली अगली रेसिपी के बारे में आपको पता चल सके। जब तक ये मेल्ट हो रहा है मैं एक थाली में थोड़ा सा घी लेकर के इसको स्प्रेड कर लूँगी क्योंकि मुझे इसी में जमाना है। अच्छे से ग्रीसिंग कर देंगे। देखिए चाशनी में बबल्स आना चालू हो गए हैं और चाशनी को लगातार हिलाते रहेंगे। चाशनी एक तार की बनानी है और बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे। फ्लेवर लाने के लिए लगभग 1/2 चम्मच इलायची पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। चाशनी को चेक करेंगे, जैसे ही एक तार की चाशनी बनने लगेगी, जो मैंने मखाने और सारे ड्राई फ्रूट्स का मिश्रण बना करके रखा था उसको इसी में ऐड कर देंगे। थोड़ा धीरे धीरे करके डालेंगे जिससे कि अच्छे से मिक्स करते बन जाए। और जो बचा हुआ मिश्रण होगा उसको भी इसी में ऐड कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैं थाली में डाल दूँगी। घी लगी थाली में इसको जल्दी से पलट लेते हैं और इसको थोड़ा सा थपथपा देंगे चमचे की मदद से जिससे कि ये बराबर हो जाए। जैसे ही ये थाली में ठंडी होकर सेट हो जाती है एक नाइफ की हेल्प से हम इसको कट कर लेंगे और मन चाहे शेप में इसको आकार दे देंगे। ये देखिए पंचमेवा मेरी रेडी हो चुकी है लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए। आपको ये कैसी लगी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली नई रेसिपी के साथ मैं पुनः यूट्यूब चैनल में हाजिर होंगी। इसी तरह से आप सभी का सहयोग, प्यार, सपोर्ट मुझे मिलता रहे। अगली नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके बाय, टेक केयर।